नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कैलाश और आप देख रहे हैं सीमा इलेक्ट्रिकल्स। दोस्तों मैं आज आपको ओरिएंट कंपनी के टेबल फैन के कनेक्शन के बारे में बताऊंगा फ्रेंड, जिसमें कि देख सकते हो आप 5 वायर है, किसी किसी में 6 वायर होते हैं, तो उसके बारे में भी इस वीडियो में बताऊंगा फ्रेंड्स। वीडियो स्किप ना करें, तभी आपको समझ में आएगा। मैं इस तरीके से बताऊँ फ्रेंड, आपको 100% समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में आया तो फ्रेंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये ओरिएंट कंपनी का टेबल फैन की मोटर है। इसके अंदर जो ऐसा देख रहे हो आप, 5 वायर है, एक हमारे पास लाल है, पीला है, काला, सफ़ेद और नीला। किसी किसी मोटर में फ्रेंड्स 6 वायर होते हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो में बता दूंगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें जो है इसके कैपेसिटर की वायर पता करनी पड़ी। कैपेसिटर की वायर अगर हमें मिल गई तो समझ लिए हमारा सारा प्रोसेस पूरा हो चुका है। सिर्फ हमें कैपेसिटर की वायर ढूंढनी है, वही इसके अंदर मेन वायर होती है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं शुरू करता हूँ। तो कैपेसिटर की वायर ढूंढने के लिए तो देख सकते हो सीरीज से हम इसको चेक करेंगे। तो हमें फ्रेंड्स कैपेसिटर की वायर ढूंढने के लिए सब में बारी बारी से लगाना पड़ेगा। जिसमें सबसे कम बल्ब जलेगा हमारा, वही हमारी कैपेसिटर की वायर होगी। देख सकते हो सीरीज का वायर मैंने ले लिया है, सीरीज पे हमने लगा दिया है इसको। अब एक एक वायर पर लगा करके हम सबको चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैंने रेड पे लगाया, रेड पे हम लगे रहने देंगे और बारी बारी से एक एक करके चारों पे लगाएंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे जो बल्ब ठीक ठाक जल रहा है, यहाँ पे भी उसी प्रकार है, यहाँ थोड़ा कम जल रहा है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम जल रहा है। अब हम जो वाइट वायर ले लेंगे ठीक उसी प्रकार से, यहाँ काफ़ी ज़्यादा जल रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा उससे कम है, यहाँ पे काफ़ी कम है, सबसे कम है, लगभग ये दोनों 19-20 के फर्क में जल रहे हैं। अब ठीक उसी प्रकार जो हम नीले वाले में जोड़ लेंगे, तो नीले वाले में मैंने जोड़ लिया है, तो यहाँ पे देख सकते हो ज़्यादा है, ये और ज़्यादा है, थोड़ा कम है उससे, ये काफ़ी कम है, और यहाँ पे देख सकते हैं पीले वाले से थोड़ा ज़्यादा है। इसके अंदर जो बल्ब ज़्यादा जल रहा है इसमें। अब हम इसी प्रकार जो ब्लैक में लगा लेंगे, तो ब्लैक में हमने लगा लिया है, तो ये देख सकते हैं रेड में लगाया कम है, इसमें थोड़ा सा 20 है, इसमें और ज़्यादा तेज़ जल रहा है, 21 ही जल रहा है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारी जो सबसे कम जो सीरीज का बल्ब जल रहा है इसके अंदर जल रहा है। तो अगर आपका बल्ब ना भी जले तो फ्रेंड्स आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको वायर पे लगा करके देखना। अगर स्पार्किंग टाइप की आ रही तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्पार्किंग आ रही हल्की, तो इस पे लगा करके थोड़ी देर रखना है फ्रेंड्स। तो हमारा बल्ब देख सकते हो हल्का हल्का जो इसका फिलामेंट जो हल्का लाल हो रहा है, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स फिलामेंट जो हमारा हल्का लाल हो रहा है, तो यही पहचान है इसकी। तो कंटिन्यूटी हमारी इसमें ओके है। तो कंडेंसर की वायर जो हमारे फ्रेंड्स यही हुई, पीले वाले से मैं लगभग सब में एक बार जोड़ कर लूँगा और दोबारा से, तो ये देख सकते हो सबसे कम हमारा पीला और काला जल रहा है। रेड पे भी देखते हैं बल्ब जल रहा है, यहाँ पे भी जल रहा है, यहाँ पे भी जल रहा है, तो हमारी कन्फर्म ये हुई। तो देख सकते हैं इस पर हमारा जो सिर्फ फिलामेंट जल रहा है हल्का सा लाल हो रहा है, तो बस हमारी कैपेसिटर की वायर यही है। तो बॉडी पर भी लगा लेंगे, कोई भी सामान चेक करते समय बॉडी हमें ज़रूर चेक करनी है, हमारी बॉडी सही है, हमारी इसमें अर्थिंग नहीं आ रही है। तो देख सकते हैं मैं हर जगह लगा ले रहा हूँ। तो आइए मैं कैपेसिटर इसमें लगा करके दिखाता हूँ। तो हमारा कन्फर्म हो गया फ्रेंड्स, ये जो दोनों वायर हैं ये कैपेसिटर के हैं और ये जो है हमारे हाई मीडियम लो स्पीड के हैं। तो इस पे फ्रेंड्स 2 MFD का कैपेसिटर लगता है, तो देख सकते हैं जो इस प्रकार से आता है इसके अंदर। तो इसको मैं जोड़ लूँगा, तो देख सकते हो फ्रेंड्स कैपेसिटर की वायर जो है मैंने इसके अंदर जोड़ ली है। अब जो है इसको जो सीरीज पे फिर से लगाएंगे हम, तो सीरीज पे मैंने लगा लिया है फ्रेंड्स। तो एक बार फ्रेंड्स हम कैपेसिटर की किसी पे भी लगाएंगे जिस पे हमने कैपेसिटर जोड़े हैं, एक बार हमें उस पे रखना है। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ब्लैक वाले पे रख लिया है, तो ये देख सकते हैं मैंने जैसे ही इसके अंदर सीरीज का करंट दिया तो ये हमारी मोटर चलने लग गई। तो समय देख सकते हैं फ्रेंड्स समय चल रही है। तो हमें जो फ्रेंड्स कौन से वायर में लगानी है इसका मैं आपको बता दूं, जिस वायर में हमारे कैपेसिटर में लगाने से हमारी मोटर जो सीधी चलेगी उसमें ही हमारा जो है एक वायर जुड़ेगा। जो देख सकते हो मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ,
तो ये जो हमारा इस तरफ चलेगा यहाँ पे, तो ये हमारा मोटर सीधा चल रहा है, तो ये देख सकते हो हर एक में सीधा ही चल रहा है। तो हमारा जो एक वायर इसके अंदर जुड़ेगा, तो देख सकते हो फ्रेंड्स एक वायर मैंने ले लिया है एक्स्ट्रा, अब इसके अंदर जोड़ देंगे। तो ये देख सकते हो फ्रेंड अब हमारे पास हो गए चार वायर। इसमें हमें जो कैपेसिटर से निकलेगी उसको कॉमन मानना है, तो कॉमन हमारी यही रहेगी जिसमें हमारा सीधा चलेगा। तो इस पे जो हम न्यूट्रल का वायर दे देंगे और फेस जो हमारा बारी बारी से इन तीनों पे जाएगा स्विच के थ्रू, जैसे हम स्विच घुमाएंगे तो हमारा हाई मीडियम लो इस प्रकार से जो हमारा पंखा कम ज़्यादा स्पीड में चलेगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स छः वायर की। तो छः वायर फ्रेंड्स जो होता है मोटर के अंदर से निकले रहते हैं, और इसमें से देख सकते हो जो हमारा जिसमें हमारा जो सीधा चलता है फैन उसको अंदर से ही जोड़ करके एक ही कनेक्शन में दो वायर निकाले हुए रहते हैं। जैसे कि ये पीला वाला हमारा मेन है, तो अगर इसमें से निकाला होता तो पीला वाले के अंदर से जोड़ करके हमारा जो एक छठा वायर निकाला रहता। तो जैसे कि आप देख रहे हो क्योंकि कैपेसिटर में भी यही लग रहा है और हमारा जो करंट का भी वायर यही लग रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से दिखा दूँ एक बार चला करके, तो ये देख सकते हैं सब पे अच्छी तरीके से चल रहा है। तो फ्रेंड जो छठा वायर हमारा निकला रहता है जिसपे हमारा कॉमन रहता है कैपेसिटर की लगती है वायर, वही अंदर से डबल होकर के आई रहती है। जैसे कि ये पीला वाला है और कोई और वायर आई रहती छठी वायर, तो पीले वाले के अंदर से जैसे कि मैंने यहाँ जोड़ दिया वो अंदर से ही जुड़ करके बाहर निकली हुई रहती है। तो इस प्रकार जो हम पता कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो फ्रेंड आइए इसको जो मैं पंखे में फिटिंग करके आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार ये इसके कनेक्शन सारे जुड़ेंगे और हाई मीडियम लो किस प्रकार से कौन से में होगा। तो फ्रेंड आप देख सकते हो मोटर जो मैंने स्टैंड में कस ली है, और मोटर के कनेक्शन तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन ये जो हमारे स्टैंड में से निकले हुए कौन सी वायर किस में लगेगी इसके बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है, वरना आप इसमें भी कन्फ्यूज़ हो सकते हो। तो फ्रेंड इसकी वायर पता करने के लिए कोई ज़्यादा बड़ा प्रोसीजर नहीं है। तो इसका जो स्विच है ये देख सकते हो फ्रेंड, ये आपको कोने में दिख रहा होगा, हल्का कम दिख रहा होगा, तो इसको जो है हमें ऑफ़ कर लेना है। तो ये सारे स्विच हमारे बाहर होने चाहिए। तो अब देख सकते हैं सीरीज पे मैं लगाऊंगा फ्रेंड्स। तो ये हमारा मेन प्लग है फ्रेंड्स, इसकी दोनों वायर ये है, इसका प्लग जो इसमें से टूट चुका है। तो इसमें फ्रेंड्स एक पे हम लगाएंगे, तो देख सकते हैं हमारा जो किसी एक पे बल्ब जो तेज़ से जलेगा इन दोनों में से किसी में भी और इसमें से किसी एक पर, तो देख सकते हैं सब पे मैंने लगाया बारी बारी से, तो किसी पे नहीं जल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दूसरे में लगाया तो हमारा बल्ब ये अच्छी तरीके से जल गया है, तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स और किसी में नहीं जल रहा। तो ये वाला फ्रेंड्स हमारा कॉमन वायर हुआ, और जो मोटर में हमने कॉमन वायर बनाया था जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले बताया, तो ये और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये हमारी टेपिंग हो जाएगी या हमारे कनेक्टर में यहाँ पे कस जाएगा अगर आपके पास ऐसा है। तो ये इसका काम ख़त्म हो चुका। अब ये कौन से किस में लगेंगे फ्रेंड, तो इसका भी पता आप कर सकते हैं बहुत ही आराम से। तो फ्रेंड हमारा जो ब्लैक है और ये वाला जो दोनों एक ही है, तो ब्लैक का हमारा काम ख़त्म हो चुका, अब बचा हमारा रेड वाला। तो एक रेड वाले में लगाएंगे फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पर सब में लगाएंगे, तो किसी में बल्ब नहीं जला फ्रेंड्स। तो बल्ब जब जलेगा फ्रेंड जब हम स्विचिंग ऑन करेंगे, तो फैन का स्विच मैंने एक दबा लिया है हमारा सबसे पहला कम स्पीड का, तो कम स्पीड फ्रेंड्स हमारा जो ब्लैक वाला है, और दूसरा मैंने बढ़ा दिया सेकंड नंबर मीडियम, तो मीडियम हमारा नीला वाला है, और हाई स्पीड हमारा जो पीला वाला है। तो देख सकते हैं सब पे बारी बारी से जल रहा है बटन दबाने पर। तो ठीक उसी प्रकार फ्रेंड्स जो ये हमारे तीन वायर हैं इन तीनों पे जो भी हाई मीडियम लो होगा वहीं पर हमें जोड़ देना है। तो मैं यहाँ पे आपको सब कोई किसी में भी जोड़ सकते हो आप, यहाँ पे कोई डरने वाली बात नहीं है, लेकिन हमें जो है स्विचिंग के हिसाब से जोड़ना है। तो हाई कौन से पे चल रहा है, मीडियम कौन से पे चल रहा है, और लो कौन से पे चल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये वायर मैंने ले ली है, अब इसको जो है मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हो हमारा फैन बंद है, अब मैं बटन दबा रहा हूँ तो ये चलेगा। तो ये लो स्पीड पे फ्रेंड्स सबसे कम, और दूसरा बटन दबाएंगे हम मीडियम, तो ये देख सकते हैं और तेज़ चलने लग गया।
और हाई का दबाएंगे तो फ्रेंड ये और ज़्यादा तेज़ चलने लग चुका है। तो अगर आपका हाई मीडियम लो नंबर बारी से काम नहीं करता तो आप ये तार जो है इस मोटर के हिसाब से एक्सचेंज कर सकते हैं। ये तीनों वायर हमें पता करने के बाद और ये तीनों किसी में भी जोड़ने से हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, सिर्फ हमें दोनों के कॉमन वायर और ये मोटर की कैपेसिटर की वायर पता करनी होगी। तो फ्रेंड्स ये वाले सारे वायर जो हमारे कनेक्टर में कस जाएंगे तो हमारा जो कनेक्शन का काम हो चुका पूरा। तो फ्रेंड आप देख सकते हो कनेक्शन हमारे सारे हो चुके हैं कंप्लीट, सारे वायर में कनेक्टर के अंदर कस चुका हूँ। एक वायर हमारा बाहर है क्योंकि हमारा जो यहाँ से जो एक कनेक्टर का पेच है वो काफ़ी लूज हो चुका है, इसमें कस नहीं रहा है। तो फ्रेंड इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स, और साथ ही साथ अगर आप इलेक्ट्रिक से रिलेटिव जो सीखना चाहते हो किसी भी प्रकार के आइटम, कूलर पंखा या बिजली फिटिंग किसी प्रकार की, तो मैं इस चैनल पे सब की वीडियो डालता रहता हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको वो सारी चीज़ें सीखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।